जय जय श्री राम, राधे राधे, जय गणपति बप्पा मोरिया। और अभी वो आंटी जी आ गए जो अपन बोलिया, जो हम तो भाई सीधी सी बात है घर पे थे दोनों आराम से, और घर पे अपनी पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे उसी टाइम पे जस्ट। और ये इधर से माता जी है वो आ गए, बोले चलो मंदिर के अंदर प्रोग्राम है गणेश जी का, कुछ कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलो ये तो हमारे अहोभाग्य कि हमें ऐसा मौका मिला और मंदिर से कोई बोलने आया, इसके बराबर तो शायद कोई अहोभाग्य होंगे नहीं। तो अपन तो भाई धोती में थे, अपने ऊपर से डाली शर्ट चल दिए, फिर ऊपर से हमारे श्रीमती जी बोले हो ते तो बहुत आंडी लाग रहा हो, हरियाणा बोली में बोलिया। मतलब अपने तो पंडित हम धोती पहरी जा है, फिर अपन किसको क्या समझने वाले थे। तो चलते हैं मंदिर कोई आयो हाथी को नहीं, चल 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 वो देख कोई नहीं आया भी बैठा दी। तो जी जाके आ गए मंदिर में, और श्रीमती जी तो मेरे से पहले ही घर पर आ गई, क्योंकि यार मंदिर में मतलब जो यहाँ पे आए थे वो मतलब होंगे लगभग 60 साल से लगभग आंटी जी, उनको बताया था कोई कृषि विभाग वाले आए हुए थे मतलब, और उनको बताया कृषि विभाग का, वो बोले गणेश जी का कुछ हो रहा है, उनको पता नहीं था, वो आके बोल करके चले गए। तो हम भी मतलब इधर से एक मिनट सीधे के सीधे ही सब कुछ छोड़ करके और गणेश जी की पूजा के लिए, गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए मंदिर में चले गए फटाफट से, दोनों के दोनों निकले एकदम से फटाफट। और फिर वहाँ पर जा करके देखा तो ऐसा कोई माहौल नहीं लगा, लेकिन फिर भी सोचे चल यार किसी दूसरे तरीके से कर रहे होंगे भाई, पूजा कर रहे हैं तो ठीक है अपन भी हैं। वहाँ फिर जा करके देखें तो कृषि विभाग वाले सामने बैठ करके ये ऐसे है फसल लगाओ, ये करो, शुद्ध सब्जी खाओ घर में लगा करके, कौन सी ऑर्गेनिक सब्जी खाओ। फिर वहां पे हो गया पंगा, क्योंकि दिमाग खराब में रह के मैं सब चुप रही थी, शुरू में बैठी थी ना जय टेंशन, मेरा मन कर रहा था कि मैं उदासीन निकल लूं, यही हो रही थी मेरा सबका, यही सब मतलब जितनी भी लेडीज गई थी ना सबकी यही था कि गणेश जी की पूजा का नाम लेकर के और ऐसे बुलाया। फिर नो मतलब सोच के देखो दुख तीरक ने छेड़ लो, अब खेती करो मतलब पहले पशु पड़े पेड़ पौधे, यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं आता। फिर वो बात छिड़ गई पलाश के अंदर, मतलब कई देर तक चली बहस, तो सब चुप हो गए वो बेचारे, ये ऐसे उसको बोलो वो सब जगह जाकर के आ गए भाई, कोई समाधान नहीं। वो बोला मैं पहले सैनिक था, मैं बोलो सैनिक थे तो कम से कम जनसेवा करो, आप ये भी तो कर रहे हो। बोले मैं जनसेवा करता हूँ, वो जनसेवा करते हो ना तो एक काम कर दो आप, यही के हो, बोला मैं यही का हूँ, डाण यहाँ से हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, मुख्य पानी को सोल्यूशन कर दे जाए, सोल्यूशन हो जाए ना उस दिन बीज दे जाए। और मैं इतनी सब्जी वाला छात ऊपर बताई उनको कि टेरिस के ऊपर लगा रखा हमने, बोले हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसे है वैसे है, तो भाई ये चीज है और कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ। ट्रेन तो पहले निकल के आ गई थी वहां से, और फिर मैं रुका था तो मेरे को नाश्ता दे रहे थे, तो भाई मैं बोला भाई हम तो लेंगे तो दो ही लेंगे, दोनों आए थे दोनों के थे तो दो लेके आ गया मैं। सही है यार बच्चे खाएंगे आराम से। तो ये देखो भाई सीवान सोर ने निकाल रुई का खेत नहीं देखा हुआ कपास, और वैसे तो यार इनका क्या, मेरा ही नहीं देखा हुआ था बचपन में, मैंने ही नहीं देखा था करना। तो भाई ये बात है हकीकत में देखी मैंने भी नहीं थी बचपन में, नैनी के रास्ता देख के आई किधर से है, तो इनको जरूर दिखाएंगे आज जा करके एक फड़ी तोड़ करके कहाँ से है, अलबत्त उनको ही हो गए खेत। इधर आइए ना बस छड़ी हटानी पड़ेगी ताकि दोनों को देखो। जब कपास का ये टिंडरा होता है ना कच्चा होता है नैनी, बहुत मीठा लगता है, मेरा खाया हुआ है, थारो खाया हुआ है ना? मैं भी खाऊंगा। इतने में नहीं खाया जाता, अब तो पक चुके कच्चे होते हैं। दो ऐसे तोड़ के लाना, दो मेरा कच्चा देखो, फिर आगन मेरा कच्चा टींडरा
पेड़ पे ही पूरी ऊपर हैं दो गिटार आ गए हमारे रिजल्ट हम खाएंगे नहीं रे सिवान कुत्ते का अपने को ये खाओ संभी नहीं का वैसे मैंने इतना दिखा दिया कम थोड़ी है तेरे को अरे सच में कपास का ट्रेंड रहे कौन खाएड़ा नहीं हमारे साइड में नहीं होती कपास नोड़े होते जो गाय भैंस को दिए जाते हैं वो मतलब काकड़ा हमारे साइड में तो काकड़ा बोलते हैं उसको और हरियाणा में बोलते हैं बिनोड़ा नहीं नहीं ये रुई निकल जाएगी ऐसे पूरी वैसे कोनी कीड़ी अभी इसमें घर न चल के निकालियो कीड़ी तो है तो जी जिनका नहीं देखी हुई है रुई वो इसमें देख सकते हैं सही है ना ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी देखेड़ी है इसको उबाई का रही साइड में तो साइड में तो ये बात है झड़ गई बस अब सही है नहीं है कुछ भी अब घर पे चल के देखना इसके अंदर बिनोड़ा कम से कम चार पांच है पकड़ तो जल्दी जी आज एक कमेंट भी आ रहा था कि नारी शक्ति सब पे भारी जहाँ हम गए थे मंदिर में वहाँ वो भी ये चीज बता रहे थे वो आ रहा था कि जो अनशन वगैरह की बात हुई थी ना कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे तो वो बोले अगर हम अनशन पे बैठ गए सब औरतें इकट्ठी होकर के तो क्या होगा तो भाई ये बात तो सही है नारी शक्ति सब पे भारी पता है इतना खतरनाक तरीके वो जो आए हुए थे ना तो वो आंटी हमें बोलने आई वो थी तो बता ही दिया बता दी थी तो बता ही दिया था अब सबसे मेन चीज अभी इवेंट भी आ रहा था सुबह कि बोलने दिया करो उसको तो ये भूल जाती है कि पहले बोल चुके कि नहीं बोल चुके इसलिए रोक देता हूँ और कोई बात नहीं है और फिर पहले ही नंबर कमेंट आया करता शर्मा जी ने बोलने दिया करो आजकल मानना क्या रेनू ने बोलने दिया करो ना तो जर्मनी से जो है ना सॉरी कनाडा से उनका कमेंट आया था कि शर्मा जी आजकल पता नहीं क्या है आपके फेस पे बहुत ज्यादा गलो दिख रहा है तो इसका क्या राज है मेरा ज्यादा दिख रहा कमेंट मेरे लिए आया था मैं गलो की थोड़ी कह रहा हूँ यार गलो तो पता नहीं आपको होगा जीत तो सकते नहीं तो कह रहे हैं अब इसका कोई खास ज्यादा राजपाज नहीं है सबसे मेन चीज तो खेतों में आएगी लेने के लिए तो थोड़ा सा अच्छा सा लगा मौसम गांव जैसा तो मैंने सोचा यहीं से वीडियो शूट करते हैं हाँ यहीं से बनाते हैं घर से तो रोज बनाते हैं और कोई बात नहीं है सबसे मेन चीज तो देखो मैंने मतलब कहीं जो पुस्तक थी पापा जी के गाँव गया था मैं तो पापा जी के पास कोई आयुर्वेद की पुस्तक थी उसके अंदर देखा था कि कोई भी आदमी हो चाहे मतलब जेंट्स लेडीज जो भी हैं सबको सायंकालीन सोते समय मतलब रात को जब सोते हैं ना तो मुंह जरूर धोना ही धोना चाहिए ट्रैक्टर आ रहा नहीं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अपन क्या बता रहे थे कि मतलब रात में सोते समय मुँह को अच्छे से धो करके सोना और अगर हो सके तो गुलाब जल लगा लो सिर्फ और सिर्फ गुलाब जल लगा लो मैं कह रहा हूँ देखना फेस के अंदर कितना चेंजिंग आएगा बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगा और सेकंड नंबर जब बाइक वगैरह पे चलते हैं ना देखो मैं तो मतलब जो बूढ़े लोग जो बताते हैं पुराने लोग वो चीज़ें बता रहा हूँ बाइक वगैरह पे कभी भी चलते हैं तो तेज़ हवा से बचें फेस को कवर करके चलो वैसे तो खैर लेडीज़ लोग तो ज़्यादातर फेस को कवर करके ही चलती हैं ठीक है और सेकंड नंबर वैसे महिलाओं को जितने भी माताएं बहनें छोटी बड़ी जितनी भी हैं उन सब से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि शाम के टाइम सोते टाइम अगर वो अपने पैर के दोनों पैर के तलवों के अंदर सरसों के तेल से मालिश करके और अगर सोएंगी ना तो उनके स्वास्थ्य के अंदर बहुत कुछ फायदा होगा मतलब बहुत अच्छा स्वास्थ्य होगा ये देखो भाई बच्चे घूम रहे हैं कौन सा ये हाँ ये केकड़ा नहीं काकड़ा हमारे राजस्थान में काकड़ा हमारे एरिया में काकड़ा बोलते हैं वैसे बिनोड़ा बोलते हैं इसको ये रखा ये है भाई शिवांश देख ले काकड़ा और एक और भी है दो है चार पांच सात निकलेंगे एक ये ले इसमें एक तो मतलब गाय भैंस को खिलाए जाते थे पहले इससे घी बहुत अच्छा बनता है गाय भैंस तो ये रस में केकड़े इसमें कर ले तो जिस सिवान सोने ने निकाल रहे हैं देखो वो अपना काम कर रहे हैं कितने सारे निकाल दिए एक में से सात आठ निकलते होंगे शायद मेरे को तो पता नहीं हमारे साइड में बोई नहीं जाती है यार ये ठीक है और बाकी आज का व्लॉग जितना था इतना ही सही है करते हैं पूरा है आपके लिए देखो ऐसे तो मेरे देखे हुए हैं कपास तो लेकिन मतलब हमारी साइड में नहीं बोते इस साइड में बोते हैं ठीक है तो चलो मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ में तब तक सबको बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग और मदद करवाने की बात ही है शिवांश और कोई बात नहीं यार सुबह से एक दो कमेंट भी आए थे कि फिर से आज सुबह भी मैं मुच्छों के ऐसे लगा रहा था हाथ ऐसे
तो वो क्या है कि यार सुबह सुबह रात में जैसे मुंह धोते हैं फिर सुबह पहले मुंह धोते हैं तो मुझ इनकी चिकनाई निकल जाती है ना, तो ये ठहरते नहीं है ऐसे। ठीक है जी, चलो माफ कर दो, धीरे धीरे आदत सब छूट जाएगी। चलो बाय।